हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुमित। आज मैं बताऊंगा दोस्तों, हंगरी में आप ऑरेंज का कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों हमारी 2 दिन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है दोस्तों, दिल्ली में रेगुलरली होती है और देश के अलग अलग सिटी में टाइम टू टाइम होती रहती है। दोस्तों हमारे 2 दिन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में पहले दिन मैं आपको इंडिया के रूल एंड रेगुलेशन के बारे में बताता हूँ, इंडिया में कैसे लाइसेंस लिए जाते हैं, कैसे सर्टिफिकेट बनवाए जाते हैं दोस्तों, और दोस्तों कैसे आप अपना सैंपल भेज सकते हैं बाहर तक, और दोस्तों कैसे अपना लॉजिस्टिक के थ्रू आप एयरपोर्ट बाय प्लेन या बाय शिप आप अपना कैसे सामान भेज सकते हैं, ये चीज़ हम आपको बताते हैं। सेकंड थिंग दोस्तों, कुछ डिप्लोमेटिक तरीके बताते हैं जिससे आप बायर और सेलर ढूंढ सकते हो दोस्तों, और ये पता कर सकते हो ये बायर असली है, जेन्युइन है या डिफॉल्टर है। हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम भी आपको प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, आप अपने लैपटॉप में उसको इंस्टॉल कीजिए और सारे सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए दोस्तों, और जब आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए जब वो बन जाएंगे तो आपके मेल पे आ जाएंगे दोस्तों। आपको किसी भी दलाल के पास जाने की जरूरत नहीं, पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सेकंड है जो हमारा कॉन्टिनेंटल डे रहता है, जिस देश में आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हो, जैसे आप ऑरेंज का हंगरी में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, तो दोस्तों उस देश के क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है, रूल एंड रेगुलेशन क्या है, ये चीज़ें बताई जाती हैं। क्योंकि अगर आप अपना सामान को एक्सपोर्ट कर रहे हो और जिस देश में वो जा रहा है अगर उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपका सामान पोर्ट पे ही फंस जाएगा दोस्तों और आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो जिस देश में आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हो उस देश की क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है, रूल एंड रेगुलेशन क्या है, क्या सर्टिफिकेट जरूरी है, ये चीज़ें बताई जाती हैं दोस्तों। दोस्तों कुछ साइंटिफिक तरीके बताते हैं पैकेजिंग के, जिससे आप अपने सामान को पैकेजिंग करेंगे तो आपका सामान लंबे समय तक ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हमारी देसी क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, दूसरे देसी क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन है, अलग है दोस्तों। तो साइंटिफिक तरीके हम आपको बताते हैं। हमेशा याद रखें, बिज़नेस शुरू करने के लिए, एक्सपोर्ट के बिज़नेस शुरू करने के लिए आपके पास पैसा कम होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए जो मैं आपको दूंगा, अगर आप तो आपका बिज़नेस ग्रो करेगा। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, प्रैक्टिकल नॉलेज कम है, आपका बिज़नेस लॉस में जाएगा दोस्तों। आज बता रहा हूँ हंगरी के बारे में। हंगरी की जो राजधानी दोस्तों वो है बुडापेस्ट, करेंसी है फोइंट, लैंग्वेज है हंगेरियन और कॉलिंग कोड है 36। दोस्तों ऑरेंज की टाइप्स हैं, ऑरेंज की नेवल ऑरेंज है, ब्लड ऑरेंज है, मंदारिन ऑरेंज है, तेंजीराइन ऑरेंज है दोस्तों, सिलेमेटाइन ऑरेंज है दोस्तों। दोस्तों सी पोर्ट्स हैं कौन कौन से सी पोर्ट्स हैं, ये है बुडापेस्ट पोर्ट्स, बाजा पोर्ट्स, दूजा एजावरस पोर्ट्स दोस्तों, मोडासा पोर्ट्स। एयरपोर्ट्स दोस्तों बुडापेस्ट फिरनिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, डेब्रिकन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, हैविज बाल्टन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, क्योंकि हंगेरियन में इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट है दोस्तों, तो ध्यान रखें। मार्केट्स मैं आपको बता रहा हूँ, मोनरी फ्रूट्स होलसेल मार्केट्स। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, व्हाट्सअप के ग्रुप के थ्रू शेयर कीजिए, पुराने वीडियो जरूर देखें दोस्तों। 190 कंट्री के बारे में मैंने बता रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो बेझिझक स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है डायरेक्ट मुझसे कॉल कीजिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, मैं उसका आपको सोल्यूशन बताऊंगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।